11:30 बजे यहाँ पर बढ़िया मार्केट लग चुका है पूरा। भैया जी राम राम। राम राम। क्या कर रहे हैं भैया? नंदी बना रहे हैं। नमस्कार। खुलिए। पहले कट तक डाल दो। लाइफ में पहली बार मैंने दिल के सेब वाली इडली खाया यहाँ पे। तो गाइस इसी खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ना लोग यहाँ पर थोड़ी गाड़ी रोक देते हैं और कुछ पल एंजॉय करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है मेरे एक और व्लॉग में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुर्ग में और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ अंबिकापुर, वो भी बाई रोड। और हम लोग जाने वाले हैं बलेनो से, मेरे ब्रदर की बलेनो है, इससे हम लोग जाने वाले हैं। और मैं पूरा रूट दिखाऊंगा कि दुर्ग से अंबिकापुर तक का रूट कैसा है। और अगर लास्ट टाइम का वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, लिंक में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं अंबिकापुर का। उस समय मैं ट्रेन से गया था और लास्ट स्टेशन जो है वो है अंबिकापुर, वहाँ से आप फिर मैनपाट जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं भिलाई 3 और भिलाई 3 से हम लोग राइट टर्न लेंगे रायपुर के लिए, ताकि यार थोड़ा सी भीड़ भाड़ से बच जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर पे। तो गाइस अभी हम लोग टर्न ले रहे हैं राइट टर्न, और इधर पर पे ये जो मंदिर नज़र आ रहा है ना, ये है हम लोग का लैंडमार्क। इसी को देख करके हम समझ जाते हैं कि यहाँ से टर्न लेना है, और यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न। और ये अंडर ब्रिज होते हुए हम लोग मेन सड़क पे आएंगे जो कि शॉर्टकट है रायपुर के लिए। तो जो मेन हाईवे है उसके ही पैरेलल है सड़क, काफ़ी सेफ और ट्रैफिक से यहाँ पे बच जाता है व्यक्ति। तो अभी हम एक और गांव आ चुके हैं सिरसा के आगे, है औंधी। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मोतीपुर। तो पूरे गांव 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 होते हुए हम लोग रायपुर पहुँचेंगे। गाइस यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग पाटन से आगे निकल चुके हैं और ये पाटन वाला रास्ता है जो रायपुर तक जाता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया रास्ता बन चुका है, 4 लेन ही है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रायपुर और ये रायपुर का महादेव घाट है। 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे यहाँ पर बढ़िया मार्केट लग चुका है पूरा सब्जी भाजी का दोनों साइड में। मैनपाट तक जाने के लिए 2 रूट हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं और बाई रोड भी जा सकते हैं। तो अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं बाई रोड मैनपाट तक जाने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं खड़ी चौक होते हुए पंडरी, और पंडरी से फिर निकलेंगे बिलासपुर। तो गाइस ये रायपुर का घड़ी चौक है, अभी हम लोग घड़ी चौक में पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम लोग लेंगे फाफाडी टर्न। जो और ये फाफाड़ी चौक का अंडर ब्रिज है, यादव समाज मनाता। तो गाइस ये जो आपने पीछे देखा, ये है छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्यौहार जिसको गौरी गौरा बोलते हैं। तो ये यादव समाज लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ने रायपुर क्रॉस कर गए हैं, रायपुर से आगे निकल गए हैं और यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं। और साइड में आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया शंकर जी का स्टैचू है और नंदी का। कहाँ चाय मिलेगा? चाय दो। दो चाय पापा लेंगे क्या? चाय एक और देना। और गाइस चाय वगैरह हम लोग ने पी लिए हैं, और मेरे पीछे यहाँ पर पे जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी रोके हैं वहाँ पे सुंदर सा स्टैचू है शंकर जी का, नंदी और बाल कृष्ण का। एक्चुअली ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे लगाया गया है,
और इस साइड में ना मूर्तियाँ बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गली है, सही जगह पे हम लोग ने चाय के लिए रोके, यहाँ पर पे गली है, यहाँ पर पे दिखाता हूँ कि स्टैचू बन रही है। भैया राम राम। भैया जी राम राम। राम राम। क्या कर रहे हैं भैया? नंदी बना रहे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर पे नंदी बन रहा है और ये सीमेंट से बना रहे हैं भैया? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो जो सामने मूर्ति लगाए एडवर्टाइजमेंट के लगाए क्या कि कोई देखेगा? बिक गया। अच्छा बिक गया क्या? ओहो, तो सामने वाली स्टैचू बिक चुकी है। तो हर प्रकार की मूर्ति बना लेते ना। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेंद्र साहू। साहू जी, और आप? राजेंद्र साहू। साहू दोनों भाई हैं क्या? हाँ। अरे साहू ब्रदर्स हैं ये लोग, मूर्तियाँ बनाते हैं। बढ़िया, कुछ मूर्ति है क्या अंदर देखने लायक? नहीं, नहीं, नहीं है। अच्छा ऑर्डर आता है तो बनाते हैं? हाँ। ओहो, तो ऑर्डर पे यहाँ पे मूर्तियाँ बनती है। और कहाँ कहाँ जाती है भैया सप्लाई? बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर। बिलासपुर पे मैं कर रहा। हाँ हाँ। अच्छा राजनांदगांव। हाँ हाँ हाँ। पूरी रायपुर संतराई। अच्छा अच्छा, यानी रायपुर में गया बहुत सारा? नया रायपुर में गया। ओहो, तो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम शहर में सप्लाई होता है ना? हाँ। सभी प्रकार के बना लेते हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये मूर्तियाँ क्या चौरास्ते वगैरह में लगती होंगी? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू, मेरे यूट्यूब के लिए आपने थोड़ा सा वक्त दिया, थैंक यू भैया साहू जी। चलिए, और ये कारखाना है ना आपका? हाँ। तो क्या क्या मशीनें हैं यहाँ पे? कुछ नहीं है? मशीन कुछ नहीं, सब हाथ से चालू। अच्छा अच्छा, हाथ से चालू है। और फेस वगैरह देना रहा तो, चेहरा वगैरह बना रहा तो क्या इसका बनाते क्या सांचे से? नहीं, इसका डायरेक्ट है। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट हाथ से ही बनाते वो भी? हाँ। अरे बहुत बढ़िया कारीगरी। इधर पर एक स्टैचू दिख रही भाई साहब? अच्छा फ्रेम बस है क्या? तो ये पुराने फ्रेम है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, तो गाइस यहाँ पे कुछ फ्रेम पड़े हुए हैं, मैं दिखाता हूँ। और ये एक स्टैचू है गणपति जी की, कवर्ड की हुई है। और यहाँ पर पूरे फ्रेम पड़े हुए हैं बेस मूर्तियों का। तो गाइस बीच बीच में इस तरह के कुछ यूनिक चीज़ें दिख जाती हैं, तो मैं कवर कर लेता हूँ अपने वीडियो में। चलो साहू जी धन्यवाद। चलिए अब निकलते हैं बिलासपुर। और ये खंडहर हो चुका है। चले, तो यार बढ़िया से चाय पी लिए और सही जगह पे मैंने गाड़ी रोकी, थोड़ा सा ये भी देखने को मिल गया। तो गाइस अभी पेट्रोल डला लेते हैं गाड़ी में, पेट्रोल जो है ख़त्म होते आ रहा है। और यहाँ पर भी जियो का पेट्रोल पंप है। चलिए, लेडीज सर्विस है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहले कट तक डाल दो, फर्स्ट कट होगा ना तब तक डाल दो। सर पेट्रोल फुल करना है? हाँ। पेमेंट क्या रहेगा? वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट कट डालिए, फिर अगर कुछ कम। पेमेंट कैश कार्ड ऑनलाइन? कैश कैश। सर टैंक और पेट्रोल जीरो देख लीजिए। ठीक। सर ग्लास ऑफ करना है? नहीं। फ्री है क्या? फ्री है? हाँ फ्री है। क्लीन चार्ज फ्री है, कर दो फिर। चलिए आप मेरे यूट्यूब में आप लोग। कितना हुआ? थोड़ा बहुत डालना है? मैनेज कर दो, मैनेज कर दवा दे, राउंड फिगर कर देना। ठीक है। ओके इंडिया। ठीक
गिन लीजिए। बिल लेना? नहीं। बिल की जरूरत है? ठीक है, नहीं चाहिए। नहीं, थैंक यू सर। और ओके, वेलकम। चलो गाइस, पेट्रोल फुल हो गया और शीशा चढ़ा देते हैं यार, और हम निकलते हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, अब सीधा बिलासपुर। तो 5 टोल टोटल पड़ते हैं हमको अंबिकापुर जाते हुए। फर्स्ट टोल है हम लोगों का। यार यहाँ पे बढ़िया 6 लेन है। और इस बिलासपुर के बाद क्या आएगा स्टेशन नेक्स्ट? कटघोरा। ओके, तो गाइस अभी हम लोग बिलासपुर क्रॉस कर चुके हैं और अभी रतनपुर और अंबिकापुर वाले रूट पे हैं, और ये रूट हम लोगों को सीधा अंबिकापुर लेकर के जाएगा, और यहाँ से अंबिकापुर और 227 किलोमीटर आगे है। सड़क जो है ना यहाँ की काफ़ी अच्छी बन चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से जा सकते हैं, वेल मेंटेन सड़क है। तो गाइस फिलहाल अभी मैंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया गाड़ी का, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी गाड़ी कुछ देर। तो गाइस मैं आके सीन दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल सीन है। साइड पहाड़ और साइड में खेत वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैं ड्राइव करना, मज़ा आ रहा है एकदम, मस्त नज़ारे हैं यार, ड्राइव करने का मज़ा दुगना हो गया। नज़ारे में आपको दिखाते चल रहा हूँ, और पूरा नज़ारा देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। सराई के पेड़ लगे हुए हैं दोनों साइड में, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, और कार ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है यहाँ पे, मस्त एकदम नेक्स्ट लेवल पे। तो गाइस अभी हम लोग कटघोरा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो है ना अंबिकापुर है 145 किलोमीटर और। वैसे चलना है पीछे क्या नाश्ता? नहीं नहीं, चल चलते हैं घर, सीधा निकलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने पहले प्लान किए थे कि यहाँ पे कटघोरा में रुकेंगे, थोड़ा रिफ्रेश होंगे, चाय वाय पियेंगे, लेकिन काफ़ी शाम हो रही है, तो प्लान अभी बी फॉलो कर रहे हैं कि यार सीधा निकलते हैं अंबिकापुर 145 किलोमीटर और। और मेरी आपसे मतलब रिलैक्स करवाते हैं गाड़ी को यार, बहुत देर चल, ठीक है ना, कहीं चाय वाय पी लेते हैं फिर, इसीलिए तो बोल रहा था। ठीक है आगे देखते हैं, नहीं वहीं चलते हैं, चल वहीं चलेंगे। ठीक है यार, भाई साहब बोल रहे हैं कि यार थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए गाड़ी भी हम भी, तो वापस हम लोग एक बढ़िया से होटल में चल रहे हैं, तो रिफ्रेश हो ही जाते हैं और फिर चलेंगे। यार काफ़ी कंजेस्टेड वाला एरिया ये, और अभी हम लोग थोड़ा सा बैक कर लिए हैं कि पीछे जो होटल छूट गया था वहीं पे नाश्ता करते हैं। और यही है भाई वो होटल जो कटघोरा का थोड़ा सा ठीक ठाक होटल है। चलिए रिफ्रेश हो लिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने इडली ऑर्डर किया दिल शेप में। भाई यहाँ दिखाता हूँ, ये इडली है दिल शेप में, बढ़िया। ओके, तो गाइस बढ़िया रिफ्रेश हो गए, बढ़िया कटिंग चाय पिए यहाँ पर पे, और लाइफ में पहली बार मैंने दिल के सेब वाली इडली खाया यहाँ पे कटघोरा के इस होटल में, मज़ा आ गया यार, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। और यहाँ से अब 145 किलोमीटर बचा अंबिकापुर।
तो गाइज अभी यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोके हुए हैं और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाम हो चुकी है, बहुत ही। तो गाइज इसी खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ना लोग यहाँ पर थोड़ी गाड़ी रोक देते हैं और कुछ पल इंजॉय करते हैं। तो मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भाई साहब और लोग जो हैं सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्योंकि शाम काफ़ी हो गई है। सीट बेल्ट ज़रूरी है भाई। अरे भैया गाड़ी जाती ना तो पुल हिलता है। हाँ मैं सोचा था ना गाड़ी हिल क्यों रही है। अच्छा जगह है वैसे। फाइनली गाइस 7 घंटे से ऊपर की कार ड्राइव करके हम लोग अंबिकापुर पहुंच चुके हैं और यहां से मैन पार्ट जो है 65 किलोमीटर है। तो मेरे पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, यहां पर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पर जा करके आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं मैन पार्ट की, कहां रुकना कैसे जाना वो सारा डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ज़रूर उसको चेक करें, विज़िट करें।